मैं पहुंची ऑफिस से घर, और ये सामान। अब मैं बहुत जल्दी घर पहुंच गई हूँ बिकॉज ट्रैफिक भी, एंड मैं डोर ओपन कर लेती हूँ। कितना अच्छा लगता है जल्दी घर पहुंच के। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी मैंगो का ट्री, उस टाइम ये छोटे छोटे थे, अब इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, कुछ टाइम में फिर और इंक्रीज हो जाएगा, फिर खाऊंगी मैं ऐसे यहाँ से निकाल के। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. I'm also doing good. मतलब गुड तो नहीं कह सकती, मेरे अभी भी स्टिल मेरे बैक में पेन है, और आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, और आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया चंडीगढ़ में, और तो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करा, एंड सो अभी मैं ऑफिस से जल्दी आ गई हूँ, और आज इस टाइम मुझे कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, और मैं 6:30 घर भी पहुंच गई हूँ, और इवन मैंने सारा सामान भी लिया, सब्जी लेनी थी और दूध लेना था, सो एंड अब मैं जल्दी घर पहुंच गई हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर वॉक पे जाती हूँ और थोड़ा फ्रेश एयर लेती हूँ। और शक्ल आप देख सकते हो मेरी, शक्ल के हो गए बुरे हाल, और बस यही है, बाहर जाती हूँ मैं आपको थोड़ी ठंडी हवा। ओह वाह, हाय, जल्दी पहुंच के ना बहुत सही लगता है। बस अब मैं कुछ खाना बनाऊंगी, दिन उसके बाद जाऊंगी वॉक पे, और आंखों में मेरी दर्द हो रही है, दर्द मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं होता ही रहता है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो मैंने थायराइड का टेस्ट करवाना था, और जो उसकी रिपोर्ट थी जब मैं डॉक्टर के पास मैंने विजिट करा था 2021 में, आई थिंक मैं नवंबर या आई थिंक अक्टूबर में विजिट करा था, तो उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दी थी, तो उसके हिसाब से टेस्ट होने हैं, और वो रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है। जो डॉक्टर है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बट वो बहुत ज़्यादा रूड है, अगर मैं बिना उस रिपोर्ट लेके चली गई तो वो बहुत सुनाएगी मुझे। तो अब मैं टाइम से पहुंच गई हूँ घर, अब मैं सोच रही हूँ कि वो रिपोर्ट मैं ढूंढ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं टेस्ट के लिए बुलाती हूँ। मैंने दूध उबाल दिया है और आज दूध नहीं गिरा है काफ़ी अरसों के बाद, और सुबह मैंने बनाया था सैंडविच, और सैंडविच बहुत वायात बनी थी बिकॉज जो मेयोनीज थी वो फिनिश हो गई थी। कल मैंने मार्केट से इतना सारा सामान लाया, बट मेयोनीज जो मेरे माइंड में था कि ये चीज़ें लेके आनी है तो वो मैं भूल गई थी, और फिर तो सैंडविच ऐसी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। अब मॉर्निंग में मैं सेकेंड, मतलब कुछ ऑप्शन तो मैं बना नहीं सकती कि मैं वेली हूँ इतनी कि मैं कुछ और बनाती, तो मैंने सैंडविच खा ली ताकि मतलब मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए। सो और अभी भी मैं जब से आई 6:30 से लेकर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं सोच रही हूँ ना मैंने कुछ अभी बनाया कि कुछ ऐसे हल्का सा कुछ बना देती हूँ और फिर चली जाती हूँ। मतलब अजीब सा हो रहा मुझे कुछ आजकल थोड़ा ना, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, और एनीवे मैं आप लोगों को नेगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ, एनीवे आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, नेगेटिव बातें नहीं करनी आप लोगों के साथ, पॉजिटिव रहना है, ओके। आज मैं बना रही हूँ चपाती, और मैंने टमाटर और प्याज की चटनी बना दी है, मैं सोच रही हूँ उसका मतलब डिनर ऐसे ही कर लेती हूँ मैं, और
आजकल मैं चपाती रात को खा ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ राइस खा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि फॉर अ चेंज मैं चपाती बना देती हूँ। वैसे मुझे भूख तो नहीं लग रही है, बट मैं स्किप नहीं करना चाहती खाना। इसलिए मैं चपाती बनाऊंगी। मेरे घर में सबसे ज्यादा पसंद पता किसकी चपातीज है, मेरे रोटीज अक्षिता मेरी नीस है ना, उसकी रोटी सारे घर वालों को पसंद आती है। और मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितने सालों पहले अपने घर में रोटी बनाई होगी। प्रॉब्लम पता है क्या ना, वहां पे मतलब गैस पे बनाई रोटी खाता ही नहीं कोई, बिल्कुल भी नहीं खाता है, चूल्हे पे ही बनाई रोटी खाते हैं सारे। और मैंने बनाई नहीं मतलब काफी सालों से, बनाऊंगी मैं अभी जब घर जाऊंगी तो मैं बनाऊंगी पक्का, फिर वीडियो शेयर करूंगी। कुछ चीजें ना आपके घर में ऐसी होती है जिनको आप यूज नहीं करते। मेरे घर में एक ही एप्रन है, मैं लेके तो बड़ी यू नो बड़ी ऐसी एक्साइटेड होकर लेके आई थी मैं कि मैं जब चपाती बनाऊंगी तो पहनूंगी। अब जब मैं बनाने लग जाती तो मुझे ऐसा लगता नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं एप्रन पहनने लग जाऊंगी तब तक तो मैं इतनी सारी चपाती बना दूंगी। और दूसरी चीज है मैं आपको दिखाती दूसरी चीज मेरे घर में क्या है यहाँ पे। और दूसरी चीज है ये ग्लव जो कि मैं बर्तन साफ करने के लिए लेके आई थी और जिसका मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती। स्टार्टिंग में लाया था तब तो मैंने किया था यूज, उसके बाद मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया था। मेरे को ये लगता कि जब तक मैं इसको पहनूंगी तब तक तो मैं सारे बर्तन धो लूंगी। पार्क से आ गई थी 9 बजे और फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट कर लिया था। अभी मैंने देखा टाइम 9:30 हो गया और मैंने कुछ भी नहीं कर रहा है। फ्रिज में ये चॉकलेट्स ना 1 मंथ से पहले की पड़ी हुई है और मैंने खाई नहीं है। अगर मेरी नीस होती ना वो आज के लिए कप की फिनिश कर लेती। मैंने यहाँ इसमें रखा था ये फ्रीजर में ये जेड रोलर, ये अटक गया है इसमें। मैं सोच रही थोड़ी आईज में ना थोड़ी से मसाज करूं, इससे बहुत रिलीफ फील होता है। ये मैंने फ्रिज में रखा था आईज ना, इसको आईज में ऐसे करूंगी तो रिलीफ मिलता है। मैं हो चुकी हूँ फ्री और टाइम भी 10:30 हो गए हैं एंड अब मैं दूध फिनिश करूँगी, उसके बाद ये व्लॉग एडिट करूँगी, देन उसके बाद फिर सो जाऊँगी। एंड आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।